पर्सन अभय प्रताप सिंह कॉल एमियर, क्या नाम है इसका? अभय प्रताप सिंह। कब से नौकरी कर रहे हो तुम? अभी कितनी नौकरी बाकी है तुम्हारी? माइक पे बोलो। 10 साल की सर बाकी है ना? जी सर। क्या जितनी नौकरी कर चुके हो इसी प्रकार से करिए नौकरी तुमने? सर, नहीं सर। बहुत दिन ये 3 फुट रह नहीं पाएंगे। हमने आपके बड़े ऑफिसर को बोल दिया है, ये जो हरकत करी है आपने इस केस में, ये किसी प्रकार से जस्टिफाई नहीं की जा सकती है। 15-15, 20-20 साल की सर्विस करने के बाद ये हालत है आपकी क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन का? आज तुम्हारी लड़की गायब हुई होती तुम क्या करते? कॉम्प्रोमाइज करवाते? सर मैंने कॉम्प्रोमाइज कर नहीं बोला सर उससे। क्यों नहीं इंक्वायरी हुई तुम्हारे खिलाफ? सर हुई सर इंक्वायरी। कुछ नहीं हुई तुम्हारे खिलाफ इंक्वायरी? 2 बार हुई सर इंक्वायरी सर। वही एडिशनल एसपी ने करी? नहीं सर, 1 बार डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी हुई सर। वो इंक्वायरी में क्या हुआ होगा हम लोग को पता है। एक इंक्रीमेंट। इस प्रकार के तुम बिहेव करोगे पुलिस स्टेशन पे, दिस रिमाइंड्स अस ऑफ सच सिचुएशन व्हिच यूजुअली वी सी इन मूवीज। वो पुलिस थाना तो शायद आप ही ओन करते हैं। जी सर। है ना? नहीं सर, मैं उसमें पदस्थ था सर जब। नहीं नहीं, आप लीजिए, आप वहां के बॉस हैं, सबसे बड़े अधिकारी पुलिस थाने के आप। उस समय पोस्टेड था सर, मैंने तत्काल एफआईआर कराई थी सर। ज्यादा बोलोगे तो और तकलीफ में जाओगे, क्योंकि तुम्हारा कंडक्ट रिकॉर्ड में दिख रहा है हमको। अब वो तो तुम्हारे एसपी और तुम्हारे आईजी साहब या डीजी साहब डील करेंगे तुमसे। अब ये मैटर पेंडिंग रहेगा अभी यहां पर। देखिए अपनी हरकतें सुधार लो, नहीं वाकई तकलीफ में आ जाओगे तुम। अगर हमने दोबारा सुना कि तुमने इस तरह की हरकतें करी हैं, तो शायद हम ही तुमको यहां से ऐसा ऑब्जर्वेशन दे देंगे कि पुलिस फोर्स को तुमको नौकरी शायद निकालना पड़ जाए। क्योंकि अगर एक पुलिस ऑफिसर कल्प्रिट के साथ बैठ करके और विक्टिम के फादर के साथ डील निगोशिएट करने का एलिगेशन ही आ रहा है, अगर यही बहुत ज्यादा है। 5-5 बार तुम जीतेंद्र को बुला के थाने में बैठाते हो और उसके बाद बोलते हो कि ताला लगा मिला हमको। तुम्हारे जैसे लोग तो पुलिस फोर्स में को बदनाम ही करते हैं। हमने लिखा है, आप इसी केस के ऑर्डर में लिखा है, एनी सिचुएशंस की वजह से मैंने लिखा है ऑर्डर में, देयर इज नो वन टू पुलिस द पुलिसमैन। कारण यही है क्योंकि आप किसी के कंट्रोल में नहीं हो, क्योंकि आप बादशाह हो, थाने के बादशाह हो आप तो। और कुछ होगा तो साहब से विनती कर लेंगे, एक इंक्रीमेंट रुक जाएगा और क्या हो, वही हुआ। और ऐसी तुमने कितनी हरकतें करी होंगी जो अननोटिस गई होंगी अभी तक, और तुम्हारे जैसे कितने और होंगे वहां पर। We'll deal with you later, but entire चालान में केवल 27 के मेमो वाला वो कुछ है ही नहीं सर, कुछ है ही नहीं केस में, केवल 27 के मेमो। और किसी की लड़की गायब हो गई है 4-5 साल से गायब है, आज की तारीख में तो 7 साल हो गए, 5 साल हो गए, 5 साल हो गए, जिंदा है, मर गई है, कहां है किसी को पता ही नहीं सर। आज जो सब्सिक्वेंट रिपोर्ट पेश की है कंप्लायंस रिपोर्ट, वहां नया डेवलपमेंट हो गया। लॉर्ड सुख ने डायरेक्शन दिया था कि सोनू के विरुद्ध आपने क्या कार्रवाई की जब उसने एडमिट किया है कि मैंने मर्डर कर दिया। रिपोर्ट ये आई है कि वो इनोसेंट है, उसके विरुद्ध हम कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि वो गलत फंसाया गया। अब सर रिपोर्ट इनने पेश किया, मैंने थोड़ी पेश किया था। रिपोर्ट कहाँ है? जो इन्होंने आज कंप्लायंस रिपोर्ट पेश किया सर, देखिए वो दिखाइए, वो कहाँ है? सोनू कलावत के विरुद्ध लॉर्ड सुख ने डायरेक्शन दिया था। एसएचओ कौन है? इसको दोबारा का पोस्ट किया वहां पर 2019 में? नहीं सर, मैं पोस्ट नहीं हुआ सर। कब पहुंचे? जून में आया था सर, और लगभग मैं सर 8 महीने रहा सर, मुझे 2 महीने में सर ट्रैफिक में रहा, बाकी सर मैं इसमें पुलिस लाइन। तुमसे जितना पूछा जाए उतना जवाब दो। अभी तो डांट खा के पीछे बैठाया था तुमको मैंने, ज्यादा सफाई दोगे तो और प्रॉब्लम फंस जाओगे। तो तुम्हें गुना भेजा कब गया? 2019 में। शांत हो जाओ, हाँ बताओ तुम क्या, इन्होंने क्या क्या किया उसमें? नहीं सर मैं शराब सर, जो कंप्लायंस रिपोर्ट पेश की थी इन्होंने 2019, उस रिपोर्ट में लौट से एक स्टेटमेंट था सोनू कलावत का 2000, ये पेश किया 6/3/2020 को, दिखाना भाई। हाँ, इसने कहा है कि मैं ले गया था, मैंने रैप किया, इसके बाद मर्डर करके मैंने तालाब में फेंक दिया।
तो उन्होंने कहा है रेप किया, मर्डर किया और तालाब में फेंक दिया। ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड किसने किया है? मिस्टर रघुवंशी सर, हु वाज एसएचओ ऑन 18/11/19? बघेल साहब। कौन है बघेल? ये क्या है, एडिशनल एसपी है? हाँ, सामने आओ।